ले। अच्छा ये दो भाई हैं, ये यहाँ पे आज शिकार कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल से इनको राजी किया। ठीक है, तो अभी इनसे आप गपशप लगाएंगे। अच्छा भाई कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक ठाक। अच्छा नाम क्या आपका? मेरा नाम भाई आशिर है। आशिर, आशिर भाई तो बताएं आज के दिन के लिए मतलब क्या कुछ शिकार मिकार लगा है, क्या सूरत हाल है, किस तरह की चरैया आटा आप इस्तेमाल कर रहे हैं भाई? सुबह से तो फिलहाल सबसे पहली बात ये कि सुबह से हम खुवारी काट रहे हैं। वो तो हर शिकारी काटता है, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही खुवारी थी, क्योंकि आज दफ्तर 9 बजे दफ्तर खोला है इन कंजरों ने। तो दफ्तर से आपने पहले पर्ची ली? पर्ची ली भाई। ठीक है, ठीक है, पर्ची ली, पर्ची लेके फिर बनीगाला गए, वहाँ बनीगाला कुछ टाइम वहाँ स्पेंड किया, 2-4 घंटे वहाँ बैठ के आए, कोई असल वसूल कोई नहीं, कोई बाइट नहीं, कोई कुछ नहीं। ठीक है, फिर हमने सोचा वहाँ से वाइंड अप करके यहाँ आ गए। यहाँ आए तो हमें तकरीबन 4 रोटे पे हल्की फुल्की चाल तो हुई, लेकिन अभी तक बाइट वगैरह बाइट कोई नहीं। ठीक है, तो आजकल बच्चे कितने की मिल रही है यहाँ आने में शिकार पे? वजन 1000 रुपये। और ये आपको पहले दफ्तर जाके लेनी पड़ती है? ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे आप शिकार शुरू कर पे अगर पर्ची दे तो आगे पहले राड उठाते हैं। अच्छा ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं जी चलान होगा क्योंकि आपने पर्ची दफ्तर से नहीं कटवाई। ठीक है, 1000 रुपये का टीका भी दफ्तर जाके खाओ, अगर राड ले जाए तो फिर वो 1000 से 5000 हो जाता है। और यहाँ पे अगर आप मतलब 1000 रुपये के आपको 2 राड लगाने देते हैं तो उसमें भी मतलब एक्स्ट्रा राड बंदा लगा सकते हैं? नहीं, कोई रोला करते हैं एक्स्ट्रा नहीं। अच्छा अच्छा, मैंने उनसे पूछा तो मैंने कहा जी कि 2 से 3 राड लगा सकते हैं एक पर्ची में, कहते नहीं जी 1000 रुपये में सिर्फ 2 राड है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मतलब हम ठंड प्रोग्राम ही अभी तक कुछ नहीं लगा फिलहाल तो भाई। अच्छा, तो आप हमें दिखा सकते हैं कि आप अशर भी कौन कौन से मतलब आटा या केचुआ या क्या यूज़ कर रहे हैं अभी यहाँ पे शिकार? बस अभी तो फिलहाल चरई का मौसम नहीं है। ठीक है, पानी बहुत ठंडा है। ठीक है, मछली का मुंह नहीं खुलता। सही, क्योंकि चाइना वाइज ऐसी मछली है जो सर्दियों में आपको बाइट देती है, लेकिन वो अभी बगैर चारे के भी खा लेती है, लग जाती है। उसके लिए डिफरेंट लोग आटा यूज़ करते हैं, हर बंदे की अपनी टेक्निक है। ठीक है, आप यहाँ पे रावल लेक पे किस तरह का आटा इस्तेमाल करते हैं? भाई जी मेरे जो आटा यूज़ करता हूँ उसमें 7 आइटम्स चलती हैं। ठीक है, ठीक है, या थोड़ा करीब आ जाता क्या यूज करता हूँ? ठीक है, भजन जो है मतलब हर चीज़ की अपनी मिकदार है। ठीक है, उसमें लाल मतलब देसी आटा डलता है, फिर फाइन आटा डलता है, 4 नंबर फीड है, देसी आटा, फाइन आटा, 4 नंबर चिकन फीड हो गई। ठीक है, उसके बाद शक्कर है, शक्कर हो गई, शक्कर के बाद बेसन है। ठीक है, बेसन के बाद दलिया है। सही, ठीक है, ये आपकी और हाफ कप जो है ना इस पर चरई का डलता है। हाफ कप चरई वो आप अलहदा से मतलब जो इंग्रेडिएंट होते हैं आटे के बीच में मिक्स वो अलहदा से बना के इसमें मिक्स कर देते हैं? नहीं नहीं, अलहदा से बना के नहीं सर, पाउडर फॉर्म में। ठीक है, पाउडर फॉर्म बना के बस इसी आटे में मिक्स कर देते हैं, बाकी अल्लाह का नाम लेके गूंथते हैं। मैं तो इसको चावलों में गूंथता हूँ इसलिए क्योंकि सर्दी है, सर्दी में मछली का मुंह नहीं खुलता। चावलों से ये है ना कि ज़रा आपका आटा नरम रहता है। सही, क्योंकि वैसे आप पानी से गूंदोगे तो वो थोड़ी देर में बट्टा बन जाएगा। चावलों का आटा ये है कि अगर सख्त भी हो जाए तो उसको आप फिर हल्का सा पानी गीला करके लगाओ और फिर उसको रगड़ा दो तो दोबारा से वैसे के वैसे ही नरम हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर आपको कौन कौन सी मछली का शिकार होता है यहाँ पर इस पॉइंट पर? यार अभी तक तो फिलहाल जो है ना सिर्फ चाइना की शक्ल ही देखी है यहाँ पे। मतलब ये जो पीछे दूसरा रास्ता जाता है वहाँ पे तो वो जो शिकारी बेच रहे होते हैं वहाँ पे तो सिंगारा भी होता है, रोहू भी होता है, चाइना वो सब फार्मी है, वो यहाँ की पकड़ी हुई नहीं है? नहीं जी, सब फार्मी है। तो वो कहते हैं कि यहाँ से पकड़ के हम बेच रहे हैं, हालांकि यहाँ से पकड़ के यहाँ से शिकारी बंदा हो उसको ये ना पता हो कि इस टाइम डैम में मछली लग कौन सी रही है। वो कहे जी मैंने 10 किलो का रोहू मारा था कल, बंदा उसको यहाँ लम्बा पा लेते कह काट जरा रोहू जरा कल कटे 10 किलो। सही भाई, अभी सीज़न ही नहीं है, सीज़न आपका शुरू होगा फरवरी के एंड में जाके, जब पानी की धूपें तेज़ होंगी, पानी गर्म होगा जल्दी, फिर चारे चलेंगे। सही, अभी तो चारे के बगैर वैसी गेम बड़ी अच्छी चल रही है, वो नसीब मुकद्दर है भाई। जिस तरह क्रिकेट पर लग का इस तरह शिकार पर लग का, ये भी अंदर शिकार है। और यहाँ पे आप पौधे पे लगाते हैं आटा? जी भजन बिल्कुल, कितनी गुड़ियां वाला पौधा यूज़ डिपेंड करता है खेलने वाले पे, कोई लोग 2 वाला यूज़ करते हैं, कुछ 4 वाला, कुछ 6 वाला। आप मैं यूज़ करता हूँ मोस्टली 4 या 5 वाला। 4 या 5 वाला। और कुंडी का नंबर कौन सा होता है? 3 नंबर। 3 नंबर कुंडी, आइडियल कुंडी। ठीक, तो ये है कि बाइट जो भी मिलती है उस पर पक्की पक्की फिक्स होती है, निकलने का चांस नहीं इतना ईजी उस पर। चलो ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करके, आपने टाइम दिया। थैंक यू, वेलकम, थैंक यू सो मच भाई। ओके सर।